Rajasthan through districts, general studies of Rajasthan, general knowledge of Rajasthan, or district wise general knowledge of Rajasthan. इसके ऑलरेडी 10 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं. ये 11वां पार्ट है चूरू डिस्ट्रिक्ट. इससे पहले जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो कवर हो चुके हैं. अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, ये कवर हो चुके हैं ऑलरेडी. उनका है जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा. ये बुक है मार्केट में, वन ऑफ द बेस्ट बुक अवेलेबल है मार्केट में. अगर आप इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी, चाहे वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो या कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो राजस्थान का, चाहे सबऑर्डिनेट बोर्ड्स का हो, लेक्चरर का हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक अवेलेबल है मार्केट में. लेटेस्ट बुक है ये, शुभम प्रकाशन की है. और इसमें क्या है कि थ्योरी है, अपडेटेड थ्योरी है. देन उसके बाद सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यू है. हिस्ट्री का थ्योरी है, फिर हिस्ट्री का एमसीक्यू, ऐसे हर सब्जेक्ट के थ्योरी प्लस एमसीक्यू, देन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. तो ये इसके अलावा एग्जाम में कुछ आता भी नहीं है, थ्योरी, एमसीक्यू, और अगर आप आरएस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है. तो अच्छी बुक है, अवेलेबल है मार्केट में, आप जाके परचेज कर सकते हैं. चूरू डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. चूरू को हम है जो गेटवे ऑफ थार डेजर्ट भी बोलते हैं, गेटवे ऑफ थार डेजर्ट बोला जाता है. देखिए इससे लग भी रहा है, चूरू में एंटर कर गए तो इसके बाद आपको इधर बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, ये है जो इनसे टच है, लगभग बीकानेर से टच है चूरू डिस्ट्रिक्ट का, जो हनुमानगढ़ से टच है. तो ये थार डिस्ट्रिक्ट है, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर है जो थार डिस्ट्रिक्ट है, तो इसलिए इसको गेटवे ऑफ थार भी बोला जाता है. और यहाँ फेमस है, यहाँ पे कई हवेलियाँ हैं, छतरी है, इन सब के लिए फेमस है. और ये जो चूरू है ये एक हाईवे पे है, यहाँ से एक हाईवे निकल रहा है, नेशनल हाईवे, जो कनेक्ट करता है अम्बाला को पाली डिस्ट्रिक्ट से. तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि जो अम्बाला से पाली नेशनल हाईवे 65 जा रहा है वो चूरू के से पास हो रहा है. और कुछ नेशनल हाईवेज के हैं जो रीनेम कर दिए हैं, तो देख लेना आप कौन कौन से हाईवेज के नाम नए कर दिए हैं. बीकानेर संभाग में आता है चूरू डिस्ट्रिक्ट है जो, ये हम सब जानते हैं, बाकी लगभग सभी को पता होगा कि राजस्थान का सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहीं रहता है चूरू डिस्ट्रिक्ट में. और इसकी है जो चूरू डिस्ट्रिक्ट को एस्टेब्लिश किया था चुहड़ा जाट ने 1620 में, 1620 में चुहड़ा जाट ने इसकी स्थापना की थी. और आफ्टर इंडिपेंडेंस ये है जो बीकानेर रियासत का पार्ट था, उससे पहले ये एक रियासत था. और जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, आजाद हुआ, उसके बाद ये बीकानेर रियासत का भाग था उस टाइम पे. और जब ये एकीकरण हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, नवंबर 1, 1956 को, जब जाके इसको डिस्ट्रिक्ट का टाइटल मिला है. इसकी है जो ये किस किस डिस्ट्रिक्ट को टच हो रखा है, ये आप एक बार अच्छे से देख लेना ज्योग्राफिकली. के अकॉर्डिंग इसकी जो सेंसस है अप्रोक्सीमेटली 20,41,172 है. और ज्यादातर देखो क्वेश्चन पूछा जाता है लिटरेसी रेट का, तो मैं इसलिए इसको हाईलाइट करता हूँ कि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से किसकी लिटरेसी रेट ज्यादा. आपको दो तीन ऑप्शन दे दिए जाते हैं और फिर पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी रेट कम है या ज्यादा है. तो ये चूरू की लिटरेसी रेट है जो 2011 के अकॉर्डिंग 67.46 है, जो ठीक है. तो अभी इम्प्रूव होगी ऐसा होपफुली 2020 में जो नए डेटा आएंगे. हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल प्लेसेज ऑफ चूरू, चूरू में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से प्लेसेज हैं जो फेमस हैं.
एक तो चूरू में क्या है, कोई रिवर नहीं ओरिजिनेट होती है ना वहां से, कोई रिवर फ्लो हो रही है ये ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो नीचे दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट ओरिजिनेट एन रिवर और रिवर डज नॉट ओरिजिनेट, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चूरू डिस्ट्रिक्ट में रिवर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम चूरू फोर्ट की, ये चूरू फोर्ट है, इसका निर्माण करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने, कुशाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पे है जो 1814 ईस्वी में जो बीकानेर ने चूरू पे चढ़ाई की थी 1814 में, ये जो ठाकुर कुशाल सिंह ने जो बीकानेर पर अटैक हुआ था, सूरत सिंह और बीकानेर अटैक दिस फोर्ट, जो बीकानेर के थे सूरत सिंह, उन्होंने इस पे चूरू पे अटैक किया था, ठीक है। उस टाइम पे है जो ये इस फोर्ट का निर्माण हुआ था, ऐसा कुछ कहा जा रहा है इसके बारे में। युद्ध का आगाज होने के बाद क्या है कि चूरू के जो ठाकुर थे शिवजी सिंह, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से लड़े थे वो बीकानेर के जो ये ठाकुर थे। पर इसमें क्या हुआ था, कुछ दिनों बाद जिनके पास एम्यूनेशन है ना वो खत्म हो गया था, और जब एम्यूनेशन खत्म हो गया था, एक्चुअली क्या है कि जो इस चूरू फोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया है ठाकुर कुशाल सिंह ने 1694 में किया था। और 1814 ईस्वी में क्या हुआ कि बीकानेर ने चूरू पे अटैक कर दिया। तो जब एम्यूनेशन वगैरह खत्म हो गया था, किसके पास है? चूरू के जो ठाकुर थे उन शिवजी सिंह, उस टाइम पे इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन तो ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था, लेकिन बीकानेर ने जब अटैक किया था उस टाइम पे ठाकुर शिवजी सिंह थे चूरू के जो ठाकुर थे, उनके पास गोला बारूद खत्म हो गया था, और जो लोकल्स थे आम लोग थे उनके, उन्होंने जो चांदी के गोले बनाए थे, चांदी के गोले बना के और दुश्मन पे छोड़े थे ताकि इस चूरू फोर्ट को बचा सके। इसको, इसके बारे में ये भी कहा जाता है चांदी के गोले दागने वाला किला, बिकॉज ठाकुर शिव सिंह फायर्ड कैनन बॉल मेड ऑफ सिल्वर इन डिफेंस ऑफ फोर्ट। इस किले को बचाने के लिए उन्होंने, लोगों ने चांदी इकट्ठी करके उसके गोले बना के और बीकानेर वालों पर अटैक किया था। ये है कोठारी एंड सुराना हवेली, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, कोठारी एंड सुराना हवेली कहाँ पे स्थित है। तो कोठारी एंड सुराना हवेली सिचुएटेड इन चूरू डिस्ट्रिक्ट, और जो ओसवाल जैन मर्चेंट थे उन्होंने ये इस ब्यूटीफुल हवेली का कंस्ट्रक्शन करवाया था। काफी अच्छी हवेली है ये, ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोठारी एंड सुराना हवेली कहाँ पे है। गोगाजी महाराज का मंदिर है, गोगाजी फेयर महाराज फेयर, गोगाजी फेयर है जो ये भी चूरू डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाता है, मनाया जाता है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ताल छापर सेंचुरी, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, तो इसको जरूर याद रखना। आप पुराने जो प्रीवियस ईयर के ओल्ड पेपर्स निकालोगे देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में मिलेगा कि ये ताल छापर सेंचुरी कहाँ पे है। तो ताल छापर सेंचुरी, ताल छापर लेक दोनों यहीं पे हैं, और ये ब्लैक बक है जो काले हिरण है उनके लिए फेमस है। दो चीजें हैं, एक तो ब्लैक बक काले हिरण, और दूसरा है जो कुरंजा पक्षी बोलते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये फेमस है। कुरंजा पक्षी काले हिरण दोनों के लिए ताल छापर सेंचुरी फेमस है, और ताल छापर लेक भी चूरू डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भी कई अच्छी अच्छी फेमस प्लेसेज हैं चूरू में, या वहाँ के लोग फेमस हैं, जैसे एक देवी काफी फेमस है, लोक देवी है जो वहाँ की चूरू की, मनसा देवी।
मनसा देवी का कई बार पूछा जाता है कहाँ की लोक देवी है, तो मनसा देवी चूरू की है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक आपने फेमस गीत सुना होगा, ए मालिक तेरे बंदे हम, ए मालिक तेरे बंदे हम, जो ये गीत है ये भरत व्यास जी ने गाया था और ये भी चूरू के रहने वाले हैं। तो कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ये कहाँ के रहने वाले थे या ये गीत किसने गाया था। और चूरू का ऐसा है कि जो सुजानगढ़ तहसील है चूरू में, सुजानगढ़ तहसील के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो खेमचंद्र प्रकाश है, खेमचंद्र प्रकाश वो सुजानगढ़ के रहने वाले थे, सुजानगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट में। और खेमचंद्र प्रकाश कौन है, मेंटर ऑफ लता मंगेशकर, जो लता मंगेशकर के गुरु माने जाते हैं, जो लता मंगेशकर को हम सब जानते हैं, तो जो लता मंगेशकर जी हैं उनके जो मेंटर हैं खेमचंद्र प्रकाश, वो भी यहाँ के चूरू के से बिलोंग करते हैं। कर्नल किशन सिंह राठौड़ जिनको 1947 में इंडिया पाकिस्तान के वॉर हुआ था उस टाइम पे महावीर चक्र मिला था, वो भी यहीं के रहने वाले थे। और आपने पढ़ा होगा अभी कुछ साल पहले 2009 या 2010 के अराउंड गौरव शर्मा जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, जो माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब किया था उन्होंने, वो भी यहीं के थे, चूरू के रहने वाले थे गौरव शर्मा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो कृष्णा पूनिया है उनका वो भी चूरू की है एक्चुअल में रहने वाले, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देवेंद्र जाजड़िया जिन्होंने पैरा ओलंपिक 2004, एथेंस पैरा ओलंपिक 2004 और रियो पैरा ओलंपिक जो 2016 में हुआ था उसमें गोल्ड मेडल मिला था उनको, और 2012 में जो पद्मश्री से ऑनर किया है उनको गवर्नमेंट ने, तो देवेंद्र जाजड़िया भी चूरू के रहने वाले थे। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ये कुछ फेमस लोग हैं यहाँ के। जो राजस्थान का सहकारी कोऑपरेटिव बैंक का फर्स्ट विमेन मिनी बैंक, पहला महिला मिनी बैंक है, वो भी सालासर चूरू में ही है। राजस्थान में सबसे कम फॉरेस्ट चूरू में ही है। कबूतरी नृत्य चूरू का फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी और चूरू के बारे में जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखना और खुद के नोट्स बना लो तो थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। कुछ लोग कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, तो देख लीजिए आपके हिसाब से, वैसे यूजफुल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेज फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।